गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास 10 अर्थशास्त्र में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है क्षेत्र कई भागों में बांटा गया। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के बारे में जाने। प्राथमिक क्षेत्र के जो है वह क्षेत्र जिसमें हम प्राकृतिक जो है संसाधनों का उपयोग करके जो है उत्पादन करते, इसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र वह है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के अंतर्गत जो है या मशीन द्वारा जो है नए रूपों में परिवर्तित करते हैं। और तृतीय जो है क्षेत्र के अंतर्गत जो है हम लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। यह प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र से जो उत्पाद वस्तुएं होती हैं उसको भंडारण तक पहुंचाने, उसको बाजार तक पहुंचाने तक का जो कार्य करता है, या विभिन्न सेवाओं का भी जो है कार्य संपादन करता है, इसलिए इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है उत्पादन में जो है तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के बारे में जानेंगे। जो किसी भी देश में जो है समानता जो है अधिकांशतः विकसित जो इतिहास रहा है, प्रारंभ में जो है वह प्राथमिक जो क्षेत्र है उसका महत्व था। भारत में भी जो है प्राथमिक क्षेत्र का प्रारंभ में खूब महत्व था। अधिकांश भारतीय जनसंख्या का अधिकांश लोग जो है वह कृषि पर निर्भर थे, वह कृषि का कार्य करते थे। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे कृषि का जो है कृषि में उत्पादन बढ़ा, वैसे वैसे जो है लोग जो है अन्य क्षेत्रों में भी जो है लोगों ने जो है अपना कार्य करना शुरू कर दिया, जैसे कृषि प्रणाली जो परिवर्तित होती गई, कृषि क्षेत्र में समृद्धि होती गई, वैसे वैसे पहले की तुलना अपेक्षाकृत जो है अधिक उत्पादन होने लगा और अनेक लोग दूसरे कार्य में करने लगे। शिल्पकार्य व्यवसायों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय और विक्रय गतिविधियां भी कई गुना बढ़ी, यानी खरीद फरोख्त भी जो है कई गुना वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त जो है अनेक लोग जो है परिवहन प्रशासनिक कार्यों में भी लगे हुए इत्यादि में जुड़े हुए। इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं जो थी वह प्राथमिक जो है क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करते थे। परंतु लंबे समय के बाद विशेषकर विनिर्माण यानी कहने का मतलब द्वितीय क्षेत्र में जो है प्रणाली में प्रचलन में कारखाने का अस्तित्व आया था, यानी बाद में जो है नए नए उद्योग लगने लगे जिसमें लोगों के रोजगार की अपार संभावनाएं थी। लोगों ने जो है वहां द्वितीय क्षेत्र में जो है अपना जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया पहले से लोग जो है उनका जो है प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेत में काम कर रहे थे उन्होंने अधिक जो है आय की प्राप्ति के लिए कारखानों में काम करना प्रारंभ कर दिया। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का भी प्रयोग होने इस्तेमाल कुल उत्पादन रोजगार की दृष्टि से में भी जो है द्वितीय क्षेत्र सबसे जो है महत्वपूर्ण हो गया, यानी प्रथम के बाद जो है द्वितीय क्षेत्र की महत्व बढ़ने लगी और इस कारण जो अधिक समय में काम होने लगा और इसका अर्थ यह था कि जो है क्षेत्र में परिवर्तन होने लगा, यानी प्रथम क्षेत्र से लोग जो है द्वितीय क्षेत्र में जो है लोग जो है कार्य करने को प्राथमिकता देने लगे। परंतु जो है कुछ वर्षों के बाद जो है द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में पुनः बदलाव आने लगा, यानी द्वितीय क्षेत्र से पुनः जो है तृतीय क्षेत्र में बदलाव आने लगा। कुल उत्पादन दृष्टि की सेवा से भी इसका जो महत्व जो है बढ़ता गया। अधिकांश जो है श्रमिक जो है श्रमजीवी लोगों ने जो है सेवा क्षेत्र में नियोजित होने लगे। जो सर्विस थर्ड जो तृतीय क्षेत्र है जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं वहां उन लोगों को जो है रोजगार मिलने लगा और विकसित देशों में भी यही समान लक्षण देखने को मिला। भारत में भी तीनों क्षेत्रों में जो है कुल उत्पादन में जो परिवर्तन देखने को मिला, कुल उत्पादन के साथ साथ रोजगार में भी परिवर्तन को देखने लगा। हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान जो है प्रारंभिक अवस्था में जो है लोगों को अधिकांश रोजगार जो है कृषि में ही जो है प्राप्त था। परंतु कृषि के विकास होने के साथ साथ जो है कृषि का विकास जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे जो है नए नए उद्योग भी होने लगे और लोग ने प्राथमिक क्षेत्र से जो पलायन जो है द्वितीय क्षेत्र में करने लगे और बाद कुछ समय बाद जो द्वितीय क्षेत्र से पलायन जो है तृतीय क्षेत्र में होने लगा। या विकसित देशों का इतिहास नहीं, भारत में भी जो है स्थिति उत्पन्न होने लगी। विगत वर्षों से जो है विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के रूप में समानता भारत में भी परिवर्तन जो है हुआ। भारत में जो है तृतीय क्षेत्र का जो कई उदाहरण भी है, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक, तार सेवाएं, बैंक, थाना कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, रक्षा,
इत्यादि, ये जो है आधारभूत सुविधाएं हैं, या किसी भी देश की जो है मूलभूत सुविधाएं होती है, जिसको विकसित करना जो है उस देश की सरकार का जो है महत्वपूर्ण कार्य होता है। भारत में जो है मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो है सरकार द्वारा जो है अनेक प्रयत्न किए गए। तृतीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उसका जो है कई कारण भी देखने को मिलता है। जो ये तीनों से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वह सुविधाएं जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, उसे हम आधारभूत सुविधाएं कहते हैं या मूलभूत सुविधाएं भी कहा जाता है। उपरी सेवाओं की जिम्मेदारी सरकार उठाती, इसीलिए जो है तृतीय क्षेत्र का जो महत्व भी बढ़ता गया। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में भी जो है तृतीय क्षेत्र की सेवाओं की मांग में जो है में वृद्धि हुई, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन से जो वस्तुएं उत्पादित होती है उसको जो है उत्पाद को जो है यातायात, भंडारण, व्यापार आदि की जो है जरूरत पड़ती है। जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से जो वस्तुएं उत्पादित होती है उसको भंडारण में करने के लिए, कहीं पहुंचाने के लिए, उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए, व्यापार के लिए आदि के लिए जो है वह तृतीय क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो है तृतीय क्षेत्र की महत्वता जो है बढ़ते गए। साथ ही साथ आय बढ़ने के साथ साथ जो है भारतीय लोगों ने जो है अन्य सेवाओं के भी जो है मांग करने लगी। जैसे रेस्तरां में जाकर उन्होंने जो है जीवन की जो मूलभूत जो रेस्तरां में जाकर उन्होंने अच्छे भोजन करना उनकी आदत हो गई। पर्यटन व घूमने के लिए जो है कई लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जहाँ पर्यटन द्वारा जो है लोगों को जो है तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। शॉपिंग, निजी स्कूल, व्यावसायिक परिस्थिति इत्यादि की मांग बढ़ने लगी। वह बेहतर शिक्षा के लिए जो है निजी स्कूल की ओर जो है लोग जो है ज्यादा जो है महत्व प्रदान करने लगे, और बेहतर जो स्वास्थ्य इलाज के लिए वह निजी अस्पताल की जो तलाश की मांग करने लगे, जिसके कारण जो है तृतीय जो सेक्टर के अंतर्गत जो है तृतीय सेक्टर की जो है महत्वता बढ़ती गई। विगत कुछ दशकों में जो है संचार और सूचना का विकास हुआ, जिससे तृतीय क्षेत्र का ही महत्व हुआ। वैश्वीकरण के कारण जो है विगत कुछ दशकों में जो है संचार और सूचना का विकास होना, जिसके कारण जो है तृतीय सेक्टर का महत्व बढ़ा। पांचवा, आर्थिक योजनाओं में भारत के जो है आर्थिक योजनाओं में बदलाव देखने को मिला। बदलाव के कारण जो है तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई। मूलभूत सुविधाएं जैसे सूचना तकनीकी, स्वास्थ्य देखभाल, एटीएम सूचना केंद्र आदि रोजगार आदि जो है भारतीयों को रोजगार प्रदान करने लगा, जिसके कारण जो है तृतीय क्षेत्र का भी महत्व बढ़ता गया। और हम देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र में जो अंतर्गत जो है किस प्रकार जो है बदलाव रोजगार में भी बदलाव देखने को जो है रोजगार में ही बदलाव देखने को मिला। जो जनसंख्या की संलग्नता थी उसमें भी जो है बदलाव देखने को मिला। जनसंख्या की जो है संलग्नता, भी जो है में भी परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में लोग कृषि में थे और बाद में कैसे कैसे इसमें बदलाव आया देखते हैं। इसको आंकड़े के अनुसार हम लोग समझते, 2009 में प्राथमिक, द्वितीय
और तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र 2009 में प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 70% जो है जनसंख्या निवास करते थे और जो है जो द्वितीय क्षेत्र में 10% और तृतीय क्षेत्र में 20%, परंतु 2018 में यह आंकड़ा जो बदलकर 58 पॉइंट जो प्राथमिक क्षेत्र में जो है वह घटकर 58.5%, 16.5% द्वितीय क्षेत्र में, 16.5% और तृतीय क्षेत्र में जो है 25 पॉइंट जो है 0% जो है वह हो गया 0%। इस पर हम देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र में भी जो है बदलाव देखने को जो जनसंख्या की संलग्नता में भी जो है बदलाव देखने को मिला, इतना ही नहीं बल्कि जीडीपी में भी जीडीपी जो है वह बदलाव देखने को मिला। जीडीपी में जो योगदान देखने को प्राथमिक क्षेत्र का जो है योगदान एक बटा चार भाग, जबकि द्वितीय क्षेत्र का द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र जो है द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का जो है क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान जो है 3/4% है। जीडीपी में जो है ये चार भाग जो है इसमें जीडीपी का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र में कहा जाए तो कुछ जीडीपी का योगदान जो है बहुत कम है। जो प्राथमिक क्षेत्र में जो है में कार्यरत तो है लोग, लेकिन जो है जीडीपी में इसका योगदान जो है बहुत कम है और इसका कारण है वह है प्रचंड बेरोजगारी। कार्यरत तो हैं परंतु जो है कार्यरत हैं परंतु परंतु जो है जीडीपी जीडीपी में जो है सकल घरेलू उत्पाद में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में जो है सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान कम है। योगदान जो है कम है, इसका मुख्य कारण
कारण जो है वह है जनसंख्या, प्रसन्न बेरोजगारी, सॉरी प्रसन्न बेरोजगारी। प्रसन्न जो है बेरोजगारी, प्रसन्न बेरोजगारी जो जीडीपी योगदान कम होने का कारण, मुख्य कारण जो है प्रसन्न बेरोजगारी है। प्रसन्न बेरोजगारी जो है वह स्थिति है जिसमें लोगों को जो है वह जो है स्थिति है जिसमें जहां जो है आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य में लगे रहते हैं। वह कार्य करते हुए तो देखते हैं परंतु उनको जो है पूर्ण रोजगार वहां जो है प्राप्त नहीं होता है, पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है। अधिकांशतः हम लोग देखते हैं कृषि में जो है जहाँ जो है खेत पर जो है खेत पर जो है कई मजदूर जो है काम करते रहते हैं। उदाहरण जो वहाँ अगर यदि दो श्रमिक हो सकता है तो वहाँ पांच श्रमिक काम करते रहते हैं, जहाँ देखा जाता है तीन श्रमिक जो है वह बेरोजगारी रूप से वह कार्य कर रहे हैं। इसे हम अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी क्षमता से प्रत्येक क्षमता से कम कार्य कर रहा है। करता है करता है पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता, उन्हें पूर्ण रोजगार प्राप्त पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता। रोजगार जो है प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता है ग्रामीण क्षेत्र में जो है कृषि में देखा जाता है, शहरी क्षेत्र में भी यह देखा जाता है। उदाहरण स्वरूप जो है कृषि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो है
ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो है शहरी क्षेत्रों में भी जो है अल्प बेरोजगारी देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में जो है प्लम्बर, पेंटर तथा मरम्मत का कार्य करने वाले लोग जो है लोग आदि, ये जो है यहाँ जो है ये जो है अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी भी इनको कहा जाता है, प्रचंड बेरोजगारी भी कहा जाता है। सरकार द्वारा जो है सरकार द्वारा जो अंतिम रोजगार के सृजन की भी बात कही गई, यानी कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए इसके बारे में भी जो है चर्चा जो है कई जो है चर्चा की जाती है। सरकार द्वारा जो अंतिम रोजगार को बढ़ाने के लिए जो है प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र के रोजगार को भी जो है रोजगार को जो महत्वता प्रदान की गई है। जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अतीत रोजगार का जो है सृजन कैसे किया जाता है।